अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मोएज़ा। और मैं आज आपको जो हूँ दिखा रही हूँ अपने सोफे, और सोफ़ों के कवर्स जो हैं वो आज मैं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी टाइम से मैंने मंगवाए हुए थे, इट्स बिन लाइक मोर देन 2 ईयर्स, और हालत आपके सामने है। ये इसमें जो है ना थोड़े से सुराख हो चुके हैं, फट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसी सा हो गया है इसकी कंडीशन। और ये मैंने ना जर्सी में मंगवाए थे, और मैंने ये मंगवाए थे केलेजन से, और अभी मैंने मंगवाया है एक न्यू पार्सल, और वो न्यू पार्सल जो है वो मैं अभी अनबॉक्स करूँगी आपके सामने। और ये कोई पीआर नहीं है, बिकॉज मैं सिर्फ आपको एक ओपिनियन जो है ऑनेस्ट वो आपको बताऊँगी। ये जो स्टाफ है ये है जर्सी का स्टाफ, मैं थोड़ी देर से दिखा देती हूँ आपको। ये थोड़ा जर्सी स्टाफ है, और ये मैंने मैरून सा कलर मंगवाया था, और ये काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हैं ये। और इसमें अगर मैं आपको अपने सोफ़ों का साइज़ भी दिखाऊँगी, तो उसमें यह है कि जब आपका सोफ़ों का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो तो आप उनको बता सकते हैं, इनकी कस्टमर सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, और उसके साथ साथ आप इनसे हेल्प ले सकते हैं कि कौन से वाले कवर्स होंगे। अभी मुझे जो है मैंने थोड़ा चेंज किया है स्टाफ, तो मैंने डिफरेंट स्टाफ यूज़ किया है। मैंने अभी डायरी में मंगवाया, तो वो भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मोस्टली इनकी वेबसाइट पर इतने करीब से जो है वो नहीं अवेलेबल कि डायरी स्टाफ कौन सा है और जर्सी स्टाफ कौन सा है। जर्सी स्टाफ ये वाला है, मैं आपको इसलिए करीब से ज़्यादा दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का शो होता है, इस तरह की ये स्टिचिंग में आता है, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो इस तरह से स्ट्रेच्ड होते हैं। तो ये जब आप अपने, अगर जैसे मेरे पास लकड़ी वाले हैं तो इस तरह से फिर फट जाते हैं। अब ये कंडीशन हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि लेट्स चेंज देम, और इसको जो पूरा जो अपना लाउंज है उसको सेट जो है वो हम दोबारा करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये कलर चेंज करने का दिल कर रहा था, तो मैंने अभी इस बार ब्राउन कलर में ऑर्डर किया, मैं आपको शो करती हूँ। अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है, और ये लंदन की तरफ से बड़ी अच्छी इसमें पैकिंग में आया हुआ था। और मेरे पास जो साइजेस हैं ना, मेरे पास है 7 सीटर, तो उसके वजह से मेरा जो 3 सीटर भी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें मुझे अवेलेबल नहीं होता, इनका जो 3 सीटर था वो नहीं आया था, मुझे दोबारा कंप्लेन करके मंगवाना पड़ा। और ये वाला जो है, अब इनका ये 2 सीटर जो है वो मेरे इस सिंगल सीटर के लिए, ये सिंगल सीटर काफ़ी बहुत बड़ा, मेरा सिंगल सीटर भी जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी ह्यूज है, तो उसकी वजह से मैंने ये, अब इन्होंने मुझे 2 सीटर्स और ये जो है 3 सीटर के लिए 4 सीटर वाला भेजा है। और ये 3 सीटर जो है, ये जो मैंने अभी फ्रंट पे आपको अपना 2 सीटर दिखाया है, ये उसके लिए है, और ये एक और 2 सीटर के लिए। इस तरह से ये बता रहे होते हैं कि कौन कौन सा आपके लिए आएगा। ये जो अलग से इन्होंने 4 सीटर के लिए भेजा है, दिस वन इज़ फॉर जो मेरे पास 3 सीटर में अवेलेबल है साइज़, ये उसके लिए है। तो ये सारे हैं, मैं अभी आपको एक करीब से भी दिखाती हूँ। पहले हम खोल लेते हैं ये वाला 2 सीटर। किस तरह का ये बनता है, और ये इन्होंने, ये देखिए इस तरह से है लिखा हुआ है कि प्रीमियम डायरी सोफ़ा कवर, और ये कलर्स अवेलेबल हैं। तो ये जो मैंने कलर मंगवाया ना, वो ये वाला कलर है, ठीक है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। और ये जो कलर है आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, वो ये कलर मंगवाया था मैंने, लेकिन ये जर्सी में मंगवाया था। और ये आप इस दोनों के साथ देख सकते हैं कि ये डिफरेंस है, इट्स मोर लाइक टावल, तो ये टावल लाइक मटीरियल में आता है, और ये जो है जिस तरह जर्सी होती है। ये तो बहुत स्ट्रेच हुआ, यानी कि पानी में आप गया नहीं और ये स्ट्रेच हुआ नहीं, इस कदर इसने स्ट्रेच शो किया है इस कपड़े ने। इसका एक्सपीरियंस अभी मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया ये वाला, तो ये भी देखते हैं किस तरह से ये निकल। कवर मैं इसको ऊपर इसको मैं फिट कर रही हूँ, ताकि इसको अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग आ सके, और आप देख सकेंगे फाइनल लुक कैसी आती है। और इसको थोड़ा सा टक इन करना पड़ता है ताकि अच्छी सी लुक आए। और ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, जर्सी मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा टावल लाइक मटेरियल है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है। लेकिन जब मैंने जर्सी वाला भी मंगवाया था पहले, वो एट फर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा था, जब मैंने इसको धोया वॉश के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा खुल गया था वो। तो अभी ये सिंगल सीटर पे तो मैंने चढ़ा लिया है, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कि मैं 4 सीटर जो उन्होंने भेजा है मेरे 3 सीटर के लिए, मैं वो भी साइज़ है वो ट्राई करके देख लूँ। तो वो मैं अभी इस पे ट्राई करती हूँ, और फिर देखते हैं कि वो भी आता है या नहीं आता है, लेट्स सी।
मुझे ये लग रहा था कि शायद ये नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि बिल्कुल पूरा पूरा या नहीं आएगा, क्योंकि चारों कॉर्नर्स जो हैं वो इसके फिट करने होते हैं और उसके बाद इसको टक करना होता है अंदर। तो बस मुझे यही लग रहा था कि नहीं आने वाला, लेकिन आ गया। और ये देखिए, बहुत अच्छे कॉर्नर्स नहीं इसे कवर हो रहे, लेकिन शायद वॉश के बाद और थोड़ा सा यूज़ के बाद ज़्यादा टक जब करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच आता है कपड़े के अंदर, तो तब शायद जो है ये बेहतर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये हिस्सा जो है वो इसका अनकवर्ड है, तो इस तरह की लेकिन लुक आई थी, बहुत अच्छी लुक लग रही है। और जो ऑब्वियसली आप देख देख के एक कलर जो है वो थक जाते हैं, तो एक डिफरेंट सी नई चीज़ आती है तो आपको अच्छा ही लग रहा होता है। तो ये मैंने अभी दो पे तो चढ़ा लिया, और बाकी काम थोड़ा सा अभी मेहनत तलब है तो मैं कर लूँगी। लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने ये जो है वो रिव्यू कर दिया, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये कवर्स कैसे हैं और जर्सी वाले कैसे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मटेरियल समझ आ गया होगा कि किस तरह का मटेरियल है, जर्सी वाला कैसा है और टैरी वाला कैसा है। टैरी वाला थोड़ा इस तरह का टावल लाइक मटेरियल है, और जर्सी वाला जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, जिस तरह की नॉर्मल बनियान स्टफ़ आप कह सकते हैं आम अल्फाज। तो इस तरह के स्टफ़ मैं आपको करीब से भी शो करा रही हूँ, ताकि आपको काफ़ी ईजीली समझ आ जाए। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ और इस तरह का देखना चाहते हो तो डू लेट मी नो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।